तो हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वी के ब्लॉग्स। सो गाइज, आप सभी लोग भाई अच्छे होंगे। तो आज अपने पास बेताल नहीं है, बट गाइज जो मैं डिटेल देने वाला हूँ भाई, वो अपना होने वाला जो अभी हमने रिसेंट में राइड किया था अपना दिल्ली टू लैंसडाउन वाला, उत्तराखंड वाला, उसके अंदर अपने बेताल टोटल कितना किलोमीटर चला, माइलेज क्या दिया उसने, कितने बार हमने फिलअप करवाया था, सारी चीज़ें डिटेल आपको शेयर करूंगा। अभी बेताल घर पे और अभी हम लेकर आए पड़े मॉन्स्टर, तो मॉन्स्टर राइड करेंगे, देन आपको सारी डिटेल दूंगा। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली, वीडियो में बने रहो। और भाई यहाँ पे कहीं ना कहीं मॉन्स्टर का भी आप लोग एक बार लुक देखो और इसकी पावर का फील करो। बाकी डिटेल तो गाइस मैं आपको अपनी जो स्कूटी हमने राइड किया टोटल कितना खर्चा पड़ा अपने को दिल्ली टू उत्तराखंड का, कैसे अगर आप चाहो करना तो आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, प्लस कितने पैसे लेके जाना है कि आपका ये राइड आराम से हो जाएगा। तो अभी तो हमने पहन रखे मस्त वाले शूज़, ये वाले तो काफ़ी अच्छे से अपने कंट्रोल में रहेगी। और चलते चलते आपको सारी डिटेल दूँगा। काफ़ी दिनों बाद भाई चला रहा ना मॉन्स्टर को, तो इसमें विली मारने का मन कर रहा है, लेकिन विली तो अपने को आती नहीं है। हमने एक जगह बात की विली के क्लासेस के लिए, बट भाई विली के क्लासेस गाइस इतने ज़्यादा कॉस्टली है। 6 डेज मेरे हिसाब से सिखा रहे हैं और चार्ज कर रहे हैं 8000, तो 8000 रुपये चाहिए भाई सीखने के लिए। कम से कम 6 दिन आपको ट्रेन करेंगे, देन 8000 रुपये गाइस कुछ ज़्यादा ही हो गया, इसलिए अभी थोड़ा पोस्टपोन कर रखे। देखते हैं भाई जहाँ से अपने को बेस्ट डील मिलेगा विली, वहाँ से अपने को तो सीखना कन्फर्म है। तो बस ये देखना है कि कब सीखते हैं। तो चलो भाई, अभी तो फ्यूल एम्प्टी है भाई, इसके अंदर कितना भी तेल डलवा लो ना, मान लो इसका जो रिजर्व का टैंक है ना 2.5 लीटर, हाँ 2.5 लीटर का इसका रिजर्व का टैंक है, जो कि गाइस अपना था उत्तराखंड वाला राइड। तो वहाँ पे सबसे पहले बात करें भाई बेताल की परफॉर्मेंस की, जो हम एंटो को लेके गए थे रेस एक्सपी, तो नो डाउट जैसा कि उसने अभी तक भाई कहीं भी धोखा नहीं दिया, एक स्टॉल भी बेताल का कहीं पर नहीं हुआ, ना ही क्रैश हुआ, ना ही इंजन कभी भी बंद हुआ। मॉर्निंग में इतना भाई टेम्परेचर डाउन था वहाँ का, फिर भी एक दो किक में आराम से, दो नहीं कम से कम 3 से 4 किक लगाए थे मैंने, बट एक बार स्टार्ट हुआ तो भाई कभी भी राइड पे बंद अपने आप तो गाड़ी नहीं हुई मेरी। तो वहाँ पे लेके चलो कि जो एंटो का परफॉर्मेंस है ना, तो काफ़ी अच्छा उसने दिया, ना ही उसके भाई इंजन को लेके मुझे कोई प्रॉब्लम आई, ना ही अपना छोटा मोटा क्रैश हुआ, ना ही कोई पार्ट्स आवाज किए। बस वो है कि राइड पर आपने अगर ध्यान दिया होगा कि भाई जो मेरा लेफ्ट साइड वाला मिरर है ना, वो खुल गया था, अभी मैंने उसको लगवाया नहीं है। अभी मैं जो बैग लेके चल रहा ना, बैग में मिरर पड़ा हुआ, गाड़ी मेरे घर पे है तो उसको भी लगवा देंगे। बस यही हुआ था कि मिरर लूज़ हो गया, वो भी ऐसे लूज़ नहीं हुआ, मेरे से गिर गई थी, मतलब राइड से पहले गिर गई तो खड़े खड़े, इसलिए लूज़ हो गया था। रेदर देन गाइस कोई सा ही प्रॉब्लम उसके अंदर बेताल को देखने को अपने को नहीं मिला, ना ही भाई एक बार भी पंचर हुआ। तो ये देखो भाई गाड़ी भी अपनी पंचर उंचर नहीं हुई थी। यहाँ पे रेड लाइट, यहाँ पे वेट करते हैं। तो गाड़ी ये हुआ कि भाई बेताल का जो टायर है, दोनों टायर की क्वालिटी में बोलूँगा काफ़ी अच्छी थी, नो डाउट कि अभी उससे लीन मारता ना भाई, लीन इतना अच्छा होता है। और टायर अभी तक अपना जो बात करो बेताल का भाई अपना चल चुका है 20,000 किलोमीटर और टायर गाइस एक बार भी भाई पंचर नहीं हुआ, होना भी नहीं चाहिए। जो उसके अंदर टायर डले पड़े मैंने चेक किया था, जेके है, हाँ जेके टायर से डले पड़े हैं, तो टायर्स की क्वालिटी गाइस नो डाउट अच्छी है। तो चलो थोड़ा भगाते फिर डिटेल दूंगा। बाइक है तो भाई खींची आती है, बट ट्रैफिक है बाबा कंट्रोल, भागने को तो भाग जाएगी, ब्रेकिंग में आस्ते ऐसी हो जाती है मेरी, तो आराम से लेते छोड़ो, भगाने का मौका कभी और मिलेगा फिर भगाएंगे, क्योंकि रोड भी अच्छे नहीं है। तो गाइस परफॉर्मेंस की बात करें तो बेताल भाई काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। और खर्चे की बात करते हैं मेनली कि बेताल ने अपने कितना पेट्रोल खाया। पेट्रोल फिलअप की बात करें तो हमने टोटल करवाया था 3 फिलअप, पहला फिलअप पड़ा था अपने को 513 रुपये का, जो दूसरा हमने फिलअप करवाया था वो पड़ा था अपने को 293 के आसपास, तो 300 मान लो, 5×3 800 रुपये। और तीसरा हमने करवाया था सीधा भाई जब लेंस डाउन से वापस दिल्ली के लिए आ रहे थे, देन हमने तीसरा फिलअप करवाया था, वो पड़ा था अपने को 400 रुपये का, हाँ 300 कुछ का वो भी आया था। तो इस तरीके से 800 + 400 होते हैं 12, तो गाइस टोटल जो अपना फिलअप पड़ा ना बेताल के अंदर 1200 रुपये का अपना फिलअप आया था। और उसके अंदर जो हमने गाड़ी चलाई थी ट्रिप ए में, तो वो चला था अपना भाई 616 किलोमीटर, तो भाई अपना जो 12 लीटर पेट्रोल में गाड़ी चली है 600+ किलोमीटर चली है। अगर 616 किलोमीटर को आप 12 से अगर भाग देते हो तो भाई इसका जो एवरेज निकल के आता है बेताल का, जो अपने को लॉन्ग राइड में मिला था क्योंकि हम स्लो स्लो चला रहे थे, पूरा पहाड़ी एरिया था, दैट्स व्हाई कि गाइस अपने को यहाँ पे ना माइलेज थोड़ा अच्छा देखने को मिला, मेरे को नहीं वैसे जितने भी राइडर गए थे सभी को अच्छा माइलेज मिला, वो मिला था अपने को 50+ माइलेज, यस 51 का माइलेज ऐसे निकल के आता, तो ये मान लो भाई आराम से अपने को एंटोक ने वहाँ पे लॉन्ग राइड में 50 का माइलेज निकाल के दिया, तो काफ़ी अच्छा था। जैसा कि मुझे पता था कि लॉन्ग राइड पे ना ये 50 का माइलेज तो आराम से दे देता है, अगर सिटी में चलाओगे तो आपको मिलेगा 40 से 45 प्लस
और आपको अगर हाईवे पे चलाते हो तो मिल जाता है आराम से 50 का माइलेज मिलता ही मिलता है ना। स्पीड के ऊपर है कि माइलेज किस तरीके का मिले। अगर हम हाईवे पे भी मान लो 80-80 सिर्फ चलाते हैं, 80-90 तो जो अपना माइलेज था भाई कहीं ना कहीं वो 45 या फिर 41 का माइलेज रह जाता। तो ये मैंने ट्राई करके देखा है, स्पीड आपकी 65-70-75-80 के नीचे है ना तो आराम से आपको 45 का प्लस माइलेज मिल जाएगा। तो ये रहा अपने बेताल का माइलेज, तो काफ़ी अच्छा माइलेज मिला था नो डाउट सभी को। और टोटल खर्चे की बात करें तो अपना मान लो ये तुम्हारा 1200 का पेट्रोल हो गया, प्लस हमें रहने का जो स्टे का पैसा लगा था। अच्छा समोसे ले रहे क्या? चलो भाई कुछ खरीद लेते फिर आपको डिटेल देता हूँ। रहने का सिर्फ जो हमने स्टे लिया था वो था 1000 रुपये का, और एक रूम में रहते हम 4 बंदे तो मान लो 250 रुपये पर बंदे को पड़ गया। तो यहाँ पे अगर टोटल करें तो 1200 प्लस 250 कितने हो गए, 1450 रुपये है ना। तो मान लो 1500 यहाँ पे हो गए, प्लस जो अपना खाने का लगा, खाने का आप मान के चलो भाई कम से कम हमने 1000 रुपये का तो खाया ही होगा। तो 1000 रुपये का प्लस के क्या जी कितने का दे रहा है? दो हाँ तो चलो दो समोसे आए तो छोड़ो। तो गाइस क्या बोला था कि हाँ तो हमने खाने पे थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट किया था, हमने किया था 1000 रुपये मान लो, तो आपका 1500 प्लस 1000 तो यहाँ पे हो जाते हैं आपके 2500 रुपये। तो ये ट्रिप ऐसे ही गया था अपना मान लो 2500 से लेकर आराम से 3000 तो नहीं गया, 2500 मान लो 2500 में गाइस जो अपना उत्तराखंड वाला ट्रिप था भाई वो कंप्लीट हो गया था। वही तो भाई की भाई रुद्रा का भी मान लो यही सेम प्राइस था 2500 के आसपास, इनका भी लगा होगा 2500 से 26-27 या मुझसे तो अच्छा ही माइलेज मिलता है एक्टिवा का, तो इसका भी सेम प्राइस पड़ा था। तो वही गाइस जो अपना लॉन्ग राइड होता है ना काफ़ी अच्छे तरीके से और कम बजट में हो जाता है, क्योंकि अपने को लगता है पेट्रोल कम क्योंकि माइलेज अच्छा। अगर वहीं पे मॉन्स्टर को ले जाऊँ ना तो ये माइलेज पता कितना देगा, 25-30 का। सही बोल रहा हूँ भाई, ये तो मुझे बिकवा के रख देगा। तो इसलिए बेताल को लेके जाते हैं, कैरी करने के लिए ना थोड़ा ज़्यादा बजट लेके चलना पड़ेगा। यहाँ पे गाइस वो 1200 का पेट्रोल खाया ना, तो ये मान लो 2500 का पेट्रोल खाएगा डबल बिल्कुल। तो चलो भाई चलते आगे। मोहित भाई अगर इसको लेके जाता डबल पैसा नहीं लगाता पेट्रोल में, वो 1200 खा रहे थे 2500 खाएगा। हाँ बोल तो रहा हूँ, कहाँ 50 दे रही है कहाँ 20-25 देगी। ये अपना जो पूरा डिटेल लेंस डाउन का कि कितना अपने वो खर्चा लगा, कहाँ हम रुके थे, रुकने का देखो अगर लेंस डाउन जाते हो ना, अगर मेन सिटी में पहुंच गए अगर लेंस डाउन के तो वहाँ होटल आपको मिल सकते हैं, बट हम जिस साइड गए थे ताड़केश्वर महादेव जी के टेंपल की साइड, तो वहाँ पर मान लो पूरा जंगल ही जंगल था, तो मुश्किल से अपने को एक होम स्टे मिला था, होटल टाइप का बना रखा था, लेकिन ये मान लो बिल्कुल काम चलाऊ था। तो ठीक है भाई 1000 रुपये में काफ़ी अच्छा था, शिकायत नहीं है। लेकिन आप लोग ऐसा मान के मत चलना कि बड़े बड़े होटल मिलेंगे, मिलते हैं कहीं कहीं पर मिलेंगे, वैसा नहीं है कि एक भी नहीं मिलेगा, बट कम होते हैं, कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलेगा। इस वो आपके ऊपर है कि आपको कैसा स्टे लेना, अच्छा होटल भी मिल जाएगा आपको और काम चलाऊ मिल जाएगा, जो कि अपने को मिला था 1000 रुपये का, क्योंकि भाई हमें हो गया था काफ़ी लेट और हम होटल ढूंढ रहे थे भाई कम प्राइस में, तो दैट्स वाई कि अपने को भाई सिर्फ वही होटल जाके मिला। और अगर नहीं लेते तो भाई गंदा फंसने वाले थे, क्योंकि दूर दूर तक कुछ भी नहीं था मॉर्निंग में, तो सही हुआ कि हमने ले लिया। तो ये था गाइज अपना जो 2500 में ट्रिप है अपना लेंस डाउन वाला आराम से कंप्लीट हो चुका है। बजट तो गाइज लग ही आता है, अगर आप एक लॉन्ग राइड करने की सोच रहे हो एंटोक से तो भाई आपको मान लो 2500 से लेकर और खुले हाथ में खर्च करोगे तो 3000 रुपये मान के चलो कि आपका बजट कहीं ना कहीं होना चाहिए, अगर आपके पास एंटोक है तो की बात कर रहा हूँ। और उसका माइलेज भी गाइस कहीं ना कहीं अच्छा होना चाहिए, नहीं कि आप लोग सोच रहे हो कि आपकी स्कूटी का माइलेज कम है तो आप लोग का थोड़ा बजट सेम रहेगा, नहीं बजट कहीं ना कहीं आप लोगों का बढ़ जाएगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान देना, और लेंस डाउन का अगर प्लान करोगे तो लेंस डाउन गाइस ऐसी जगह जहाँ पर टूरिस्ट भाई बहुत कम जाती है, तो आप ग्रुप में जाओ तो यही बेस्ट रहेगा, अकेले जाओगे तो उसका एक्सपीरियंस अलग होता है, लेकिन कहीं ना कहीं भाई पूरा का पूरा जंगल है, तो ये सीन है आपको कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा। और वहाँ पे थोड़ा सेफ्टी का मैटर भी करता है क्योंकि पूरा जंगल है, समझ रहे हो ना। हम वहाँ पे एक राइडर को भाई हाथी भी देखने को मिला, लोकल्स लोग बोलते हैं कि भाई यहाँ पे टाइगर्स प्लस लेपर्ड भी देखने को मिलते हैं, सारी चीज़ें इंस्टाग्राम पे गाइस बोला फॉलो कर लो, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जल्दी अपडेट मिल जाता है, एक तगड़ा सरप्राइज है आप लोगों के लिए भाई, बड़ा वाला समझना, बहुत ही अंत लेवल का सरप्राइज मिलने वाला है। तो वही इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ फॉलो कर लो, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए तो गाइस सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना है, जल्दी से अपने को इसी साल गाइस 1 लाख सब्सक्राइबर चाहिए। तो मेरा चैनल का नाम भाई जाओ सब्सक्राइब करो, फर्स्ट टाइम आया तो कमेंट करो बताना आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक गाइस टेक केयर एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। चलो।